हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 11 मई से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1752 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका के फिलाडेल्फिया में अग्नि बीमा पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। सन 1784 ईस्वी में आज ही के दिन अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच संधि हुई थी। सन 1903 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय थल सेना के तृतीय थल सेना अध्यक्ष SM श्री नागेश का जन्म हुआ था। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने 14 अक्टूबर 1959 से लेकर 12 नवंबर 1960 तक और फिर 13 जनवरी 1961 से लेकर 7 सितंबर 1962 तक असम के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। सन 1904 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त KVK सुंदरम का जन्म हुआ था। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून सचिव और भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने 1968 से 1971 की अवधि के लिए भारत के पांचवें विधि आयोग की भी अध्यक्षता की थी। सन 1912 ईस्वी में आज ही के दिन कहानीकार और लेखक सआदत हसन मंटो का जन्म हुआ था। उन्हें भारत के विभाजन के बारे में उनकी कहानियों के लिए जाना जाता है, जिसका उन्होंने 1947 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद विरोध किया था। सन 1918 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई का जन्म हुआ था। वह अहमदाबाद शहर में नृत्य, नाटक, संगीत और कठपुतली में प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक और निदेशक थीं। सन 1940 ईस्वी में आज ही के दिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने अपनी हिंदी सेवा की शुरुआत की थी। सन 1951 ईस्वी में आज ही के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। सन 1962 ईस्वी में आज ही के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्थान लिया था। सन 1995 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 170 से अधिक देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सन 1998 ईस्वी में आज ही के दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया था। सन 1998 ईस्वी में आज ही के दिन यूरोप की एकल मुद्रा यूरो का पहला सिक्का बना था। सन 1999 ईस्वी में आज ही के दिन भारत ने 11 मई को राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण परीक्षण रेंज में शक्ति 1 परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया था। पोखरण परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को आयोजित किया गया था। 2021 ईस्वी में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर घाटी में डल झील पर फ्लोटिंग बोट एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। सेवा स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस है। इसकी शुरुआत एक हाउस बोट के मालिक तारिक अहमद पतलू ने की थी। पिछले साल कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद उन्हें फ्लोटिंग एम्बुलेंस का विचार आया था। 2021 ईस्वी में आज ही के दिन पद्म कुमार एम नायर को प्रस्तावित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में पद्म कुमार SBI में स्ट्रेस्ड एसेट्स रिजोल्यूशन ग्रुप के मुख्य महाप्रबंधक भी हैं। 2021 ईस्वी में आज ही के दिन जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पूरे भारत में अपने सभी ग्राहकों के लिए मैं अपना नंबर चुनता हूँ सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। यह नई सुविधा बैंक के मौजूदा और नए ग्राहकों को अपने पसंदीदा नंबरों को अपनी बचत या चालू खाता संख्या के रूप में चुनने का विकल्प देती है। 2021 ईस्वी में आज ही के दिन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस वर्ष अक्षय ऊर्जा के लिए वित्तीय संस्थान में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2021 ईस्वी में आज ही के दिन अल्फाबेट इंक के गूगल ने अपने US भुगतान ऐप के उपयोगकर्ताओं के लिए प्रेषण फर्मों वाइज और वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण साझेदारी शुरू की थी। संयुक्त राज्य में गूगल पे उपयोगकर्ता अब भारत और सिंगापुर में ऐप ग्राहकों को धन हस्तांतरित यानी के ट्रांसफर मनी कर सकते हैं। 2022 में आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। यह दिन राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए शक्ति फर्स्ट परमाणु मिसाइल का प्रतीक है। 11 मई 1998 को हुए पोखरण परमाणु परीक्षण शक्ति की वर्षगांठ को याद करने के लिए ये हर साल 11 मई को पूरे भारत में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है।
तो ये थी आज से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।